दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है बैटल फॉर बंगाल। आप जान रहे हैं कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो एक टकराहट चल रही है उसी पर आज का जो एडिटोरियल चर्चा है। पुलिस पर्सनल शुड नॉट बी मेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल बैटल। ये जो राजनीतिक संघर्ष है, ठीक है, या राजनीतिक जो टकराव है उसके लिए जो है पुलिस पर्सोनेल को, यानी कि पुलिस कर्मियों को जो है उसे क्या नहीं बनाया जाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब कह सकते हैं उपकरण या औजार या हथियार। तो पुलिस पर्सोनेल को जो है एक हथियार या औजार या उपकरण नहीं बनाया, मतलब कि उसे बनाया जाना चाहिए पॉलिटिकल बैटल के लिए, यानी कि राजनीतिक संघर्ष के लिए। द अपॉइंटमेंट ऑफ 3 IPS ऑफिसर्स ऑफ द वेस्ट बंगाल कैडर टू वेरियस पोस्ट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे हैज एस्केलेटेड द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है, यानी कि नियुक्ति की गई है किसकी, 3 IPS ऑफिसर्स की, वेस्ट बंगाल कैडर का, ठीक है ना, विभिन्न पदों के लिए, किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री के, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा, थर्सडे को। इसने जो है टकराहट को और ज्यादा बढ़ा दिया हैज एस्केलेटेड, एस्केलेटेड में बढ़ा देना, और कन्फ्रंटेशन मतलब टकराहट किसके बीच, स्टेट के बीच, राज्य के बीच और केंद्र के बीच। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज टर्म द डेप्यूटेशन ऑर्डर डिस्पाइट द स्टेट्स ऑब्जेक्शन अ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड ब्लैटेंट मिस यूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ IPS कैडर रूल 1954। चीफ मिनिस्टर जो है वहां की ममता बनर्जी, उसने इसे कहा है, टर्म मतलब कि उस चीज को बताया है, इस डेप्यूटेशन ऑर्डर को, ये जो नियुक्ति की जो आदेश है उसको बताया है। क्या बताया है, किसके बावजूद, यानी कि राज्य सरकार के आपत्तियों के बावजूद, ठीक है, इसे क्या बताया है, एक कलरेबल एक्सरसाइज है ऑफ पावर, यानी कि सत्ता का एक कलरेबल कह सकते हैं दुरुपयोग है, या मिश्रित एक तरीके से, मतलब कि विभिन्न तरीके का जो कलरेबल होता है, मतलब कि कई रंग के। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर दुरुपयोग की बात हो रही है, ये जो है सत्ता का दुरुपयोग है और ब्लैटेंट मिसयूज, ब्लैटेंट मतलब निर्लज्जतापूर्ण, खुल्लम खुल्ला एकदम, ठीक है, वो दुरुपयोग है किस चीज का, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ IPS कार्डर रूल 1954, यानी कि IPS कार्डर रूल जो है 1954, उसके जो इमरजेंसी प्रोविजन है, आपातकालीन जो प्रावधान है उसका खुल्लम खुल्ला जो एक तरीके से, या व्यापक जो है दुरुपयोग की बात की, मतलब कि दुरुपयोग करार दिया है वहां की चीफ मिनिस्टर ने। द कॉन्स्टेंट हॉस्टिलिटी, ये जो कॉन्स्टेंट मतलब लगातार, ये जो निरंतर जो शत्रुता है, हॉस्टिलिटी है किसके बीच, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, इज नाउ टेकिंग ए टर्न फॉर द वर्स। ये जो है और ज्यादा बदतर होते जा रही है, बदतर होते जा रही है, मतलब और खराब रूप लेते जा रही है। एहेड ऑफ 2021 असेंबली इलेक्शन, 2020-2021 के जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उसके पहले और ज्यादा बदतर रूप ले रही है और ज्यादा खराब होती जा रही है। द टग ऑफ वॉर बिटवीन बिगेन आफ्टर अ कन्वॉय ऑफ बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कैम अंडर स्टोन पेल्टिंग इन द स्टेट ऑन दिसंबर 10। ये जो टग ऑफ वॉर है, ये जो कह सकते हैं, ये जो टकराहट जो शुरू हुई वो कब हुई, आफ्टर अ कन्वॉय ऑफ बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कैम अंडर स्टोन पेल्टिंग इन द स्टेट ऑन दिसंबर 10। यानी कि राज्य में 10 दिसंबर को जो है बीजेपी प्रेसिडेंट जो जेपी नड्डा हैं उनके काफिले जो है, उनका जो काफिला है वो उसमें क्या किया गया, पथराव किया गया 10 दिसंबर को, उसके बाद ही ये टग ऑफ वॉर शुरू हुआ, ठीक है ना। द बीजेपी अपरेंटली होल्ड्स द IPS ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर द इंसिडेंट। बीजेपी जो है अस्पष्ट रूप से मानती है IPS ऑफिसर्स को अकाउंटेबल, जिम्मेदार इस घटना के लिए। आफ्टर एन इनिशियल मूव टू रिकॉल दीज ऑफिसियल्स वॉज रेसिस्टेड बाय द स्टेट, द सेंटर हैज इन्वोक सेक्शन 6(1) ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस कार्डर रूल्स व्हिच सेज दैट इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि आफ्टर एन इनिशियल मूव, जो शुरुआती कदम उठाए गए थे इन्हें वापस बुलाने के, इन ऑफिसियल्स को, इन अधिकारियों को वापस बुलाने की जो शुरुआती कदम को विरोध किए जाने के बाद स्टेट के द्वारा, राज्यों के द्वारा, मतलब राज्य के द्वारा, उसके
उसके बाद क्या किया सेंटर ने, क्या किया इन्वोक किया, इन्वोक मतलब इस्तेमाल किया सेक्शन 6(1) ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस कैडर रूल्स, ठीक है ना, इंडियन पुलिस कैडर सर्विस कैडर रूल्स का जो सेक्शन 6(1) है उसका इस्तेमाल किया, जो कहता है यानी जिसके अनुसार जो है इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच, तो ये जो मामला है वो डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि उसे केंद्र सरकार उसे सुलझाएगी। द टसल मिरर्स द हाई स्टेक्स पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट बिटवीन द बीजेपी एंड द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस। ये जो टसल है, ये जो टकराहट है, ये जो संघर्ष है, ये दर्शाता है, दिखाता है हाई स्टेक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, मतलब कि बहुत ही ज्यादा दांव लगा हुआ है राजनीतिक संघर्ष का, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दांव वाला जो है जिसमें सभी के स्टेक्स लगे हुए हैं, हाई स्टेक्स लगे हुए हैं पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में, ठीक है, बिटवीन बीजेपी एंड द रूलिंग, किसके बीच, बीजेपी के बीच और जो वहाँ की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस है उनके बीच। द सीएम स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द पुलिस फोर्स हैज गेन अटेंशन फॉर द रॉन्ग रीजन्स द पास्ट। अतीत में क्या हुआ था कि सीएम का जो स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द पुलिस फोर्स जो है, यानी कि पुलिस फोर्स को जो प्रबंधन करने का जो सीएम का जो शैली है, उसने ध्यान आकर्षित किया था गलत वजहों से, गलत कारणों से पास्ट में, अतीत में। सीनियर ऑफिशियल्स आर सीन एज अलाइड विद द टीएमसी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे देखे जाते हैं किसके रूप में, अलाइड विद द टीएमसी, टीएमसी के साथ संबंध मतलब कि उनका माना जाता है। एंड द बीजेपी इज डिटरमाइंड ड्राइव, और जो बीजेपी का जो है कृत संकल्प जो अभियान है कि वो जो है स्टेट में सत्ता पाए या सत्ता हासिल करे, वो बहुआयामी है, इज मल्टीप्रॉन्स्ड। ऑन फ्राइडे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, फ्राइडे को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोका वेस्ट बंगाल को यानी कि वेस्ट बंगाल सरकार को क्या करने से, फ्रॉम टेकिंग एनी कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट सेवरल बीजेपी लीडर्स इन क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम बाय द स्टेट पुलिस, यानी कि स्टेट पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ यानी कि बीजेपी लीडर्स के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस में यानी कि आपराधिक मामलों में जो कई सारे बीजेपी लीडर्स को जो मतलब कि उन पर केस दर्ज किए हैं, तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई लेने मतलब कि कठोर एक्शन लेने से उनको रोका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है रिस्ट्रेंट किया किसको, वेस्ट बंगाल को, किस चीज़ से रिस्ट्रेंट किया, फ्रॉम टेकिंग एनी, रिस्ट्रेंट के बाद फ्रॉम होता है तो एनी कोर्सिव एक्शन, कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोका स्टेट गवर्नमेंट को, किसके खिलाफ रोका, अगेंस्ट सेवरल बीजेपी लीडर्स, कई सारे बीजेपी लीडर्स के खिलाफ कोर्सिव एक्शन लेने से रोका, जो कि क्रिमिनल केसेस में उनको उनके खिलाफ जो मतलब कि दर्ज किए गए थे इन क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जो दर्ज किए गए थे स्टेट पुलिस के द्वारा। बीजेपी विल कंटिन्यू टू नॉक ऑन द डोर्स ऑफ द कोर्ट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू ब्रिंग प्रेशर ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। बीजेपी जो है, भाजपा जो है, वो क्या करेगी, वो लगातार जो है स्टेट गवर्नमेंट पर दबाव बनाने के लिए क्या करेगी, वो कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग का जो है दरवाजा खटखटाते रहेगी बाय इन्फोर्सिंग इट्स रीट। रीट का मतलब समझिए, रीट मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जिसके तहत आपको कहा जाता है कि आप जो है लीगल प्रोसेस में आप शामिल हो, और एक होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी टू एक्ट, ठीक है ना, यानी कि पावर। तो यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने अथॉरिटी जो है आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर्स में जो, क्योंकि ये सारे जो है सिविल सर्विसेज जो है वो यूनियन के तहत आते हैं, तो ये जो मतलब कि आईपीएस ऑफिसर्स पर जो अपना जो पावर है, अपना जो अथॉरिटी है उसको लागू करके, ठीक है, सेंटर जो है वो क्या कर रही है, एक संकेत भेज रही है सारे अधिकारियों को कि उनके जो आचरण है, देयर कंडक्ट जो है विल नाउ बी अंडर स्क्रूटनी, वो जांच के दायरे में रहेगा। द स्क्रिप्ट इज फैमिलियर, ये जो पटकथा है वो क्या है, फैमिलियर है, परिचित है, मतलब कि जाना सुना है, ठीक है। अहेड ऑफ 2019 लोकसभा इलेक्शन, यानी कि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके पहले सीबीआई ने जारी किया था नोटिस, किसको जारी किया था, कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को जारी किया था, और चाहा था उन्हें हिरासत में लेने के लिए, वांटेड टू टेक हिम इन कस्टडी, जिससे जिसके वजह से जो है मिस बनर्जी जो है क्या की थी, धरना में बैठी थी, मतलब जिसने जो है मिस बनर्जी यानी सुश्री बनर्जी को, ममता बनर्जी को जो है उकसाया था धरना में बैठने के लिए, धरना पर बैठने के लिए। ड्यूरिंग द पोल्स, चुनाव के दौरान जो है
ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या किया था, सीनियर ऑफिसर्स को जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को जिसमें मिस्टर कुमार भी शामिल थे, ठीक है, उनको ट्रांसफर कर दिया था इलेक्शंस के बाद, चुनाव के बाद सीएम जो है वहाँ की उन्होंने सबको सारे ऑफिसर्स को बहाल कर दिया अपने पहले वाले पद पर। द सेंट्रल स्कीम्स, ये जो सेंट्रल स्कीम्स है यानी कि केंद्रीय जो योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत एंड पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है ना, पीएम किसान सम्मान निधि आर ऑल्सो अ बॉन ऑफ कंडीशन, ये भी एक झगड़ा का जड़ है, ठीक है। द टीएमसी गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट देम, ये जो वहाँ की जो सरकार है टीएमसी गवर्नमेंट, तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है उसने इनकार कर दिया है इसे लागू करने से, ये डिमांड करते हुए, ये मांग करते हुए कि फंड्स को जो है वो राज्य के माध्यम से भेजा जाए, ठीक है ना, वी रॉट इट थ्रू द स्टेट। द सीएम हैज ऑल्सो कंप्लेंट ऑफ इनसफिशियंट सेंट्रल असिस्टेंस टू मैनेज द कोविड-19 पैंडेमिक एंड साइक्लोन अम्फान। सीएम ने यानी कि चीफ मिनिस्टर ने शिकायत की है किसके बारे में, कोविड-19 पैंडेमिक और साइक्लोन अम्फान यानी कि कोविड-19 जो महामारी है और जो चक्रवात अम्फान जो है उसका प्रबंधन करने में जो इनसफिशियंट सेंट्रल असिस्टेंस के बारे में भी शिकायत की है। इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त, जो केंद्रीय सहायता होनी चाहिए थी वो अपर्याप्त थी, जिसके बारे में सीएम ने इसके बारे में भी शिकायत की थी की है, ठीक है। द सेंटर्स अर्लियर डिमांड, सेंटर का जो पहले का जो डिमांड है जो मांग है वो क्या है कि चीफ सेक्रेटरी जो है और डीजीपी जो है यानी कि स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं और डीजीपी जो होते हैं वो मीटिंग अटेंड करें यानी कि बैठक में शामिल हो न्यू दिल्ली में ऑन स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये जो स्टेट के जो कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर जो न्यू दिल्ली में या नई दिल्ली में जो बैठक बुलाई जाती है उसमें जो है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी शामिल हो, ये सेंटर का अर्लियर डिमांड था। इसने जो है क्या किया है, इसने तनाव को और बढ़ाया है, ऑल टोल्ड, ऑल मतलब सब मिला जुला कर, ठीक है, ऑल टोल्ड का मतलब मिला जुला कर, या कुल मिलाकर द पार्टीजन यूज, पार्टीजन मतलब कि पक्षपात, जो पक्षपातपूर्ण जो आप इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ पर्सोनल एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट बाय पार्टीज इन पावर यानी कि सत्ता में बैठे हुए जो पार्टी हैं जो दल हैं उनके द्वारा राज्यों का जो या राज्य का जो पर्सनल यानी कि कर्मियों और जो इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो औजार हैं जो उपकरण हैं उनका जो पार्टीजन यूज़ किया जाता है यानी कि पक्षपातपूर्ण तरीके से जो उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हो रहा है इस टकराहट में, इस संघर्ष में, एज इज हैपनिंग इन दिस टसल इज अ डिस्टर्बिंग सिग्नल, ये एक बड़ा परेशान करने वाला संकेत है इसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए भी और फेडरलिज्म के लिए भी। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।